मैं से रोड के साइड में पड़ा था, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे एंकल से नीचे का हिस्सा वहाँ पे कट के थोड़ा दूर पड़ा है, कहीं पे मेरे बोन्स पड़े हैं। तो डॉक्टर का पहला सवाल था कि ये ज़िंदा कैसे है, तो ख़त्म हो गया है, तेरा कुछ नहीं होने वाला, अब तू यहीं पे है, तू यहीं रहेगा। ऐसे सामने से जब गुजरता था वड़ा पाव दिखता था वहाँ साइड में, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। ये जर्नी ऐसी चलती रही और सडनली मैंने कहा बस मुझसे नहीं होने वाला। जिस बेड पर लेटा हूँ आज अगर यहाँ से नहीं उठ पाया तो ज़िंदगी में शायद खुद की या दूसरों की नज़रों में कभी नहीं उठ पाऊँगा। ये ख्याल मेरे दिमाग में तब आया जब एक एक्सीडेंट में मैं अपना पैर खो चुका था। बेड पे लेटा हुआ रहता था, नाते रिश्तेदार सब आते कहते कि यार बेचारे के साथ क्या हुआ है। कोई तो ये कहता कि चलो कुछ नहीं, हैंडीकैप कोठे में कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा तुम्हारा। हद तो तब हुई जब मेरे पापा से किसी ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद सोने जैसा बच्चा माटी हो गया। मेरे पापा बहुत रोए थे और उस दिन मैं खड़ा हुआ था कि कुछ ना कुछ बड़ा करूँगा। और आज मैं आप सबके सामने जो स्टॉक पे खड़ा हूँ, मेरा नाम है जावेद चौधरी। मैं एक इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। नेशनल में कई बार गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ, इंटरनेशनल मेडल जीत चुका हूँ, स्विमिंग में स्टेट लेवल चैंपियन हूँ, बहुत सारी चीज़ें की है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर लोनार का रहने वाला हूँ। छोटा सा गाँव है, इतना छोटा है कि आप हर एक इंसान को उसके नाम से जान सकते हो। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। गाँव छोटा है लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है। मेरी फैमिली में 35 लोग हैं रहने वाले, चाचा दादा दादी वगैरह सब। कोई चाचा ट्रक ड्राइवर है, कोई कार ड्राइवर है, तो कोई हमाली करते हैं। मेरे पापा वैसे भैंसों का दूध बेचते हैं। ऐसी नॉर्मल फैमिली में हूँ। मैं पहला लड़का था जो पढ़ाई के लिए बाहर गया था, घर से बाहर निकला था। सबकी होप मुझ पे थी लेकिन मैं पढ़ाई में इतना कुछ अच्छा नहीं था। लाइट कि 10th में 56%, 12th में 52%, एवरेज भी नहीं था, बहुत गंदा था। बट सी घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था, तो सबका ऐसा था कि चलो यार ये लड़का कुछ ना कुछ तो करेगा। पास होना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारा बच्चा 12th में साइंस से पास हुआ है। पेड़े बांटते थे। ऐसे ही करते करते 12th पास किया और ग्रेजुएशन के लिए औरंगाबाद गया, जहाँ पर मेरे पापा के किसी दोस्त ने कहा था कि एग्रीकल्चर करवा लो, खेती तो अपने पास है, कहीं ना कहीं MPSC UPSC किसी में हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही एडमिशन करवा ली BSc एग्रीकल्चर के लिए, तो औरंगाबाद पहुँचे। अब औरंगाबाद में जाने के बाद एकदम सडनली बड़े शहर में सब सारी चीज़ें, तो जो अंदर की चाहते थी डांस गिटार वगैरह सब दिखने लगे। तो मैं डांस सीखने लगा, धीरे धीरे खुद डांस सिखाने लगा लोगों को और अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने लगा। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। उसी बीच में मॉडलिंग वगैरह करने लगा, गिटार वगैरह सीखने लगा और तब कॉलेज में भी अच्छा हो गया, सबके साथ रहने लगा, तो पढ़ाई करने लगा और 76% आए मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में। काफ़ी अच्छी लाइफ चल रही थी वहाँ पर सडनली। और रमज़ान का महीना था, मम्मी ने कहा कि बेटा क्यों दिक्कत कर रहे हैं, शहरी की वगैरह दिक्कत होती होंगी, ऐसे कर तू घर आ जा। और मैं घर चला गया और घर जाने के बाद किसी दोस्त के साथ 10-12 किलोमीटर बाहर गए हम किसी काम से। और जब रिटर्न आ रहा था तो एक बाइक एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से मेरी ज़िंदगी टोटल चेंज। मुझे याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं रोड के साइड में पड़ा था, कुछ 40-45 मिनट तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कुछ नहीं था वहाँ पे, कोई लोग भी नहीं थे। तो मैंने मेरा मोबाइल निकाला और कॉल किया। पहला कॉल मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, मेरे पापा को, एम्बुलेंस को, पुलिस को, सबको कॉल करके वहाँ पे बुलाया। और मैं से रोड के साइड में पड़ा था, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे एंकल से नीचे का हिस्सा वहाँ पर कट के थोड़ा दूर पड़ा है, कहीं पर मेरे बोन्स पड़े हैं, यहाँ से मेरा थाई में से बोन निकल के गया है बाहर। तो मैं बोन्स को उठा के वापस डाल रहा हूँ, पैर को खींच रहा हूँ, फिर यहाँ पर जो थाई में बोन निकला उसको अंदर डाल रहा हूँ। और किसी से कहा यार ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, कोई बांध दो आकर इसे। तो महाराष्ट्र में एक है कि गमछा पहनते सब लोग, तो आया, कोशिश की बंदों ने, लेकिन वो जिस तरीके की हालत थी पैर की वो देखकर उनसे रहा नहीं गया, वो खुद ही नीचे बैठ गए सर को हाथ लगाकर। मैंने उनका गमछा लिया और उसको बांधा वगैरह, बोन्स को अंदर डाले और फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई कि एक हॉस्पिटल, फिर वहाँ पर किसी ने लिया नहीं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, किसी ने कहा नहीं आगे जाओ वहाँ पर हो जाएगा। और होप से हम चलते गए औरंगाबाद से पुणे। मेरा एक्सीडेंट आज दोपहर में 3 बजे हुआ था और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग को 11 बजे पुणे पहुंचा। और जब पुणे पहुंचा तो फिर उनकी प्रोसीजर स्टार्ट हुई और देखा कि जो लेग की कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि ब्लड लॉस पूरा हो चुका था, शायद 2 यूनिट कुछ ब्लड रहा था बॉडी के अंदर। और जो जर्नी चलती गई थी उसमें ना एनेस्थीसिया लिया गया था ना कुछ नहीं, बस एक ग्लूकोज की बॉटल चल रही थी जिसके सहारे में वहाँ तक पहुँचा। जब वहाँ पर पहुँचा तो डॉक्टर का पहला सवाल था कि ये ज़िंदा कैसे है। बेहोश तो दूर की बात है, क्योंकि मैं बेहोश भी नहीं हुआ था तब, कि इसकी बॉडी में खून बचा नहीं है और ये ज़िंदा कैसे है। अब शायद सबकी दुआएं थी मेरे साथ तो मैं वहाँ तक पहुँच गया। फिर प्रोसीजर स्टार्ट हुई, डॉक्टर ने कहा एम्पुटेशन करना होगा, एम्पुटेशन किया, पैर कट किया। और सडनली ऐसा था ना, 14-15 दिन हॉस्पिटल में रहे और देन घर गए। जब घर पहुँचा भीड़ लगी हुई है क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार चाचा ताया पापा वगैरह सब 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 और सब रो रहे हैं। मैं बोला भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। जब पैर कटा तब ये एहसास नहीं हुआ, जब वहाँ पहुँचा पहली बार लगा कि हाँ यार मेरे साथ कुछ हुआ है। जब वहाँ पे पहुँचा तो सब देखने वालों की ऐसी नज़रें अलग थी कि कोई देखता कि यार बेचारा, तो किसी की नज़रों में मुझे तरस, वो हमदर्दी, वो सिंपैथी दिखने लगी धीरे धीरे धीरे। जो मुझे कभी प्राउड लगता था कि वो देख के मेरे तो प्राउड से बोलते थे यार जावेद, मोहल्ले वाले बोलते थे कि यार बेटा हमारे बच्चे से हम क्या करवाए बताओ आप। और वो सडनली ऐसे दिखाने लगे, जताने लगे, चलो बोलते नहीं थे लेकिन जताते ऐसे थे कि यार तू खत्म हो गया, तेरा कुछ नहीं होने वाला, अब तू यहीं पे है, तू यहीं रहेगा, अब तू बर्डन है, हमको ही देखो संभालना है ज़िंदगी भर, तुझसे तो कुछ नहीं होगा। और वो ना मुझे कहीं वो चीज़ बहुत चुभने लगी। 3 महीने तक मेरे अब्बा मेरे सामने नहीं आए, वो खिड़की से झाँक कर देखते थे क्योंकि उनको हिम्मत नहीं थी मुझे सामने से पूरा देखने की। ये जर्नी ऐसी चलती रही और सडनली मैंने कहा बस मुझसे नहीं होने वाला। वो अब्बा के रोते हुए आंसू, अम्मा की चीख, वो घर वालों की हमदर्दी मैं नहीं सहन कर पाया। और उसी दौरान किसी ने मुझसे कहा कि फेसबुक पे पता चला मेरा एम्पुटेशन हुआ, तो फिर किसी दोस्त के दोस्त ने ऐसी ये इन्फॉर्मेशन दी कि अरे व्हीलचेयर बास्केटबॉल ऐसा एक गेम है जिसका कैंप होने वाला है हैदराबाद में, तुम आके ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा प्रिया बट बास्केटबॉल क्या होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि उससे पहले लाइफ में कभी बास्केटबॉल नहीं खेला था। गाँव के अंदर क्या खेलते हो, कबड्डी कुश्ती, ज़्यादा से ज़्यादा खेल लिया तो गिल्ली डंडा या फिर क्रिकेट, इससे ज़्यादा कोई सिविलाइज्ड गेम हम कभी नहीं खेले। तो पहली बार वहाँ पे बास्केटबॉल के लिए बोला तो मैंने ठीक है चलो फॉर्म फिलअप करके देखते हैं, वैसे भी सिलेक्शन तो अपना होने से रहा क्योंकि ये एक बिगनर्स का टेक्निकल कैंप था। तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र में इंडिया में इतने सारे लोग हैं मेरा क्या होगा, मैंने जस्ट फॉर्म फिलअप कर दिया और उनका सिलेक्शन का मुझे मेल आया। जब मुझे मेल आया और मैं वहाँ पर गया, बहुत सारा मैं पहला लड़का था जो वहाँ पहुँचा और गिटार विटार लेकर बास्केटबॉल कैंप में पहुँचा। वहाँ पे मस्ती कर रहा हो, कहीं इस कॉर्नर पर बैठ के किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा हो, तो कभी इस कॉर्नर पर बैठ के किसी के साथ गिटार बजा रहा हो, तो कहीं डांस कर रहा हो। और सब ऐसे बैठे थे वहाँ पे, सब कोई व्हीलचेयर पे था, किसी को सब अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे थे। किसी ने कहा कि क्या हुआ, एक व्हीलचेयर वाला कहने लगे कि मेरे एक्सीडेंट को 14 साल हो गए लेकिन 8 साल मुझे घर से बाहर निकलने लगे। तो किसी ने कहा मेरे एक्सीडेंट को 4 साल हो गए, और किसी ने कहा कि मेरे 18 साल हो गए एक्सीडेंट को और मैं वो 4 दीवारी के बाहर 18 साल से नहीं निकली, ये पहली बार मैं निकली हूँ, मैं खुद के बेटे की शादी में भी नहीं गई। और ऐसे ही टर्न आते आते मेरा टर्न आया और मुझसे कहा कि आपको कितने हुए। मैंने कहा मैं अभी इस फील्ड में नया हूँ, मुझे सिर्फ 8 महीने हो रहे हैं। तो उनका था कि तुम इतने खुश कैसे हो। मैंने कहा खुश रहने के लिए कोई वजह चाहिए, शायद जो चीज़ तुमको 18 साल के बाद, इन्हें 4 साल के बाद, इन्हें 8 साल के बाद रियलाइज़ हुई, वो मुझे 2 या 3 महीने में रियलाइज़ हो चुकी थी कि मुझे उठकर बाहर निकलना होगा और कुछ ना कुछ करना होगा। तो ऐसे करते हुए मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे दिल्ली टीम ने सिलेक्ट किया, फिर दिल्ली टीम से 2 नेशनल्स खेला एज ए दिल्ली टीम कैप्टन और दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इन सारी चीज़ों में जब दिल्ली से खेल कर मैं रिटर्न घर आया, और घर आने के बाद कई दिनों तक घर से निकला नहीं क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था, इंटरनेशनल इंडिया टीम में सिलेक्शन हो नहीं रहा था और घर पर था। तो मेरे पापा को एक वक्त में ऐसे लगा कि ये यार इसकी शादी कर देते, जल्दी शादी होंगी, जल्दी बच्चे होंगे, जल्दी बच्चे बड़े होंगे तो वो उसे संभालेंगे। और मुझे तो कुछ करना था ज़िंदगी में, 2 साल से कोशिश कर रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। तो घर वाले ज़्यादा पीछे लगने लगे, कहीं से बुआ आकर कहती, दादी आकर कहती, कोई चाचा आकर ताने मार देता। एक दिन मैंने सबसे झगड़े किए, बैग पैक किया, घर छोड़कर चला गया। घर छोड़कर पहुंचा पुणे, और जब पुणे में पहुंचा तो मेरे अकाउंट में 4000 थे, जिसमें से मेरे दोस्त के रूम पर रुका था जिसका रेंट 2500 था और मेस का 1500, 4000 वहाँ ख़त्म हो गए। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मुझे महाराष्ट्र टीम के साथ जाना था, जहाँ पे ट्रैवल का मुझे अलग से लगता था, उसका था नहीं। तो उस वक्त में शायद मेरी ज़िंदगी का वो सबसे खूबसूरत वक्त था, क्योंकि हर इंसान को कुछ भी बनाने में जो वक्त मदद करता है वो होता है उसका स्ट्रगल पीरियड। वो उसे असली मायने में एक इंसान बनाता है, उसे पता होता है कि उसे किस मुसीबतों से वहाँ पहुँचा है और कोई इंसान अगर किस मुकाम पर पहुँच रहा है तो वो कितनी मुसीबतों से पहुँचाऊँगा। उस वक्त में ऐसा था कि मेरे पास ऐसे सामने से जब गुजरता था वड़ा पाव दिखता था, वहाँ साइड में, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। पेट में भूख बहुत होती थी, तो घर जाकर जब मेस की 4 रोटियाँ खानी होती तो हर एक रोटी के ऊपर 1 गिलास पानी पीता था कि पेट भर जाए और नींद आ जाए, कल का कल देख लेंगे। ऐसे करते 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 फिर फर्स्ट टाइम जब नेशनल में महाराष्ट्र टीम से रिप्रेजेंट किया 6 महीने के बाद, तब मैं गोल्ड मेडल जीता था और उसकी खुशी कुछ और थी। और जब मैं गोल्ड मेडल जीत के घर मेरे वापस गया तो वो जो लोग थे जो मुझे ऐसे देखते थे कि यार क्या हो गया इसके साथ, वही लोग मुझे कांधे पे बिठा के नाचने लगे। 10,000 की पब्लिक होगी कम से कम, जो कि डीजे, ढोल, ताशे, घोड़े लेकर आए थे। होर्डिंग्स लगी थी पूरे गाँव में मेरे नाम से कि जावेद चौधरी आपने हमारे गाँव का नाम रोशन किया है। और जो लोग आकर, किसी ने कहा कि एक बार फिर से रिश्तेदार आया और किसी ने कहा पापा से कि यार सोने जैसा बच्चा माटी हो गया। पापा कह रहे काहे के माटी यार, हीरा हो गया है, पहले तो सिर्फ सोना था। आज वो एरोप्लेन में घूमता है जहाँ पे हम कभी देखे ही नहीं है, जिस चीज़ को, जहाँ जिस जगह पर हम कभी गए नहीं, हमारे समाज का क्या हमारे गाँव का कोई बंदा गया नहीं, वहाँ जाकर आ रहा है। ये मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि एक्सेसिबिलिटी, तो जब भी वो हम कहीं पर जाते थे कोई टूर्नामेंट के लिए या कोई कैंप के लिए, बहुत सारे इंटरनेशनल कैंप किए इंटरनेशनल कोचेस के अंडर में, तो वहाँ पे जब भी हम जाते थे तो रूम के अंदर जाने से लेकर तो रूम से बाहर निकलने तक, वहाँ से घर तक रिटर्न जाने तक, कहीं होटल में चले गए तो लोग पार्सल ला कर देते थे क्योंकि वहाँ पे स्टेयर्स होती थी जहाँ पे व्हीलचेयर चढ़ नहीं पाती थी। जस्ट इमेजिन कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन इंडिया के अंदर ही आपको घूमने की आज़ादी नहीं है। कभी बैठ के सोचो कि 2 दिन अगर आपकी तबीयत खराब है, बुखार है और आप एक रूम के अंदर बंद हो तो आपको चिड़चिड़ होने लगती है, आपको लगता है मैं किस कैद में हूँ। वो लोगों ने ज़िंदगी के 14 साल, 8 साल, 12 साल, 10 साल एक रूम के अंदर गुजार दिए, सिर्फ खिड़की से बाहर देखते कि ये रास्ता है। जितनी ज़रूरत सोसाइटी को, इनको सोसाइटी की है, उतनी ज़रूरत सोसाइटी को भी इनकी है। अगर हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक ये सोसाइटी है, अगर किसी एक फिंगर को हमारी इंज्योर्ड हो गया तो उसको काट कर फेंक नहीं देते, उसको हेल्प करते हैं कि वो फिर से आए, फिर से हाथ हमारा पूरा काम करने लगे। इसी तरह सोसाइटी के हम हिस्से हैं, जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो होगा। 2019 का टूर्नामेंट खेलने गए हम, ओलंपिक क्वालिफाइंग का, और वो ख़त्म होकर जब आए, यहाँ आने के बाद लॉकडाउन हो गया। और जब लॉकडाउन हुआ तो मैं घर पर था, और घर पे था तो घर पे फंसे हुए 3 महीने कुछ ही नहीं किया। और मुझे तब पता चला कि शायद मैं बोरियत से मर सकता हूँ, मैं लाइफ में अगर कुछ ना करूँ तो। लेकिन आज़ादी पे मुझे काम करना था, तो मैंने पहली चीज़ की कि इंडिया का फर्स्ट व्हीलचेयर एक्सेसिबल जिम बनाया जिसका नाम है चौधरी का अखाड़ा। वो ऐसा एक लौता एक जिम है जो कि जहाँ पर कोई भी व्हीलचेयर वाला बंदा आकर फ्रीली, कहीं पे उसे कोई रोक ठोक नहीं होगी, और फुल एक्सेसिबिलिटी के साथ में वॉशरूम से लेके हर इक्विपमेंट तक पहुंच सकता है और वो वर्कआउट भी कर सकता है। ये मेरी पहला कदम था आज़ादी के लिए। जो कहते हैं ना कि अगर देश को साफ करना है तो पहले घर से स्टार्ट करनी होगी, तो पहले मैंने मेरे घर को एक्सेसिबल बनाया, मेरे गाँव को एक्सेसिबल बनाया। अब बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी कभी बेड पर पड़ा था और मुझे नहीं पता था कि मैं एक इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनूंगा या डांस दीवाने जैसे बड़े मंच पर जाके डांस करूंगा जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ में, या फिर वायरल वीडियो का कुछ बनूंगा। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बस घर से बाहर निकला। उन्हें बताना है कि तुम भी निकलो, क्योंकि मुझे पता है वो कुछ कर सकते हैं, घर में बैठ कर कुछ नहीं होगा। ये उनकी आज़ादी है कि वो घर से बाहर निकल के क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप सब की आज़ादी क्या है या आप ढूंढ सकते हो। किसी के पास दोस्त नहीं हो, वहाँ के दोस्त बना सकता है। किसी को उस मैराथन में दौड़ के खुशी मिलेंगी, वो अपनी खुशियाँ ढूंढ सकता है। तो सबकी अपनी अपनी आज़ादी, और इस आज़ादी को कोई किसी और आज़ादी से रिलेट ना करे, इसके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है कि जब भी ऐसे घर से कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी घर से बाहर निकलते हैं तो ढेर सारे लोग उन्हें देखकर सिंपैथी से कहो या फिर किसी भी रीज़न से उन्हें पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो लोग मुड़कर चले जाते हैं। जब मुझसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए तो मैंने कहा आज़ादी, तो वो लोग बोले तुम एक आज़ाद मुल्क में हो, मैंने फिर भी कहा आज़ादी। वो चिढ़कर चीख कर बोले ठीक से बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैंने कहा आज़ादी आज़ादी आज़ादी। मेरी खामोशी चीख रही है आज़ादी, मेरी बंद आँखें दिखा रही है आज़ादी, मेरे लड़खड़ाते कदम कहे अब तो उड़ जा, ये ज़मीं है बेड़िया वो आसमां है आज़ादी। जहाँ से नहीं लड़ना है तुझे खुद से पहले, तोड़ जंजीरें छीन ले अपनी आज़ादी, अपने हैं खड़े खिलाफ ये सफ़र नहीं आसा, मैं राही इस डगर का, मेरी मंजिल है आज़ादी। ना तू मुझसा न तुझसा कोई, यहाँ हर शख्स लाजवाब है, तो क्यों तो खुद को ढूंढता इस भीड़ में, बना अपनी पहचान, दिखा कि तू आज़ाद है। ना देखो इन नज़रों से, ना देखो इन नज़रों से चुपती है मुझे रहम हमदर्दी, ये नहीं मेरी आज़ादी। रहम हमदर्दी ये नहीं मेरी आज़ादी, ये दौलत ये शोहरत अब तुम ही रख लो, मैं चला लेकर अपनी आज़ादी। क्योंकि आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेते हैं, आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएँ। और अगर ये सच है तो जोश स्टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहाँ एग्जैक्टली इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है, जहाँ आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी हैं, जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को